सावन के महीने में नगर के सभी मंदिर पर नगर निगम की टीम द्वारा साफ सफाई रखने के लिए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि निगम क्षेत्र के जितने भी शिव मंदिर हैं उन सभी की व्यापक रूप से सफाई की जाने के निर्देश सभी नगर निगम के सफाई सुपरवाइजर एवं सफाई कर्मियों को दी गई है। प्रत्येक सोमवार को हर शिव मंदिर के सामने साफ सफाई के साथ चूने का छिड़काव और शाम को फॉगिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे सावन भर मंदिर के आसपास किसी भी हाल में किसी भी तरह का मांस नहीं बिकना चाहिए। अगर कोई मांस बेचते हुए मिलता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, सावन माह के मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र के भीतर जितने भी शिव मंदिर हैं या अन्य मंदिर हैं उन सभी की व्यापक रूप से सफाई किए जाने के निर्देश बैठक के माध्यम से समस्त इंस्पेक्टर सफाई सुपरवाइजर और सफाई कर्मचारियों को दिए जा चुके हैं और प्रत्येक सोमवार को प्रत्येक शिव मंदिर के सामने सफाई के साथ साथ वहां पर चूने का छिड़काव आदि के भी निर्देश दिए गए हैं और शाम के समय उनको फॉगिंग किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। और लगातार सावन माह में पूरे शहर में कहीं पर भी मंदिरों के आसपास किसी भी हालत में जो मांस है नहीं बिकना चाहिए, नहीं वहां पर कोई बेच सकता है। इस सब बात के भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई बेचता हो पाया जाएगा तो कड़ी कठोर कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की जाएगी। जहाँ पर भी जैसे कि बेलपत्र और फूल होती है वहाँ पर डस्टबिन रखवाई गई है तो कहा गया है मंदिर के पुजारी अन्य लोग जब वो जो चीज़ इकट्ठी हो जाती है तो इकट्ठे हो जाने के बाद जो है उसको वहाँ पर डस्टबिन में रखवा दें और वहाँ से हमारे कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी कायदे से उसको श्रद्धापूर्वक उठा कर लेकर अन्यत्र जो है सुरक्षित रख देते हैं।